दोस्तों यहाँ पर आईपीएल 2021 से जुड़ी काफी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज यहाँ पर केकेआर एंड यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का यहाँ पर मैच होने वाला था, लेकिन ये मैच यहाँ पर पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। ये पोस्टपोन्ड कब तक के लिए किया गया है इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये मैच पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, जिसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के यहाँ पर दो खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती एंड यहाँ पर संदीप, ये दो खिलाड़ी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं एंड यहाँ पर पैट कमिंस को आइसोलेट कर दिया गया है। आईपीएल पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है, आगे के मैचेस कैसे होंगे अब इसकी कोई भी जानकारी समझ में नहीं आ रही, कैसे क्या आगे किया जाएगा। अब दूसरे पर देखिए, सवाल ये उठता है कि यहाँ पर बायो बबल के अंदर खिलाड़ी कैसे कोविड पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पर जितने भी केकेआर के खिलाड़ी हैं सभी का यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा, उसी के साथ बैंगलोर के भी खिलाड़ियों एंड यहाँ पर अहमदाबाद में जो बाकी की टीमें साथ में रुकी हुई हैं सभी का यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर दोस्तों केकेआर ने अपने लास्ट के जो 3 मैचेस खेले हैं, जिस भी टीम से खेले हैं सभी खिलाड़ी आपस में मिलते रहते हैं, तो सभी का यहाँ पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आज का जो मैच है ये नहीं होने वाला है, ये मैच आगे किसी भी डेट में शेड्यूल किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है। यहाँ पर बीसीसीआई ने कह दिया है कि आरसीबी एंड यहाँ पर कोलकाता की टीम अपना नेक्स्ट मैच जैसे खेलती है, जैसे चल रहा है आईपीएल वैसे ही खेलेगी, बस ये वाला मैच यहाँ पर नहीं होने वाला है, इस मैच को आगे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, ये आगे शेड्यूल कर दिया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेंशन का बात ये होता है कि यहाँ पर बायो बबल के अंदर कैसे खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी केकेआर के दो मेन खिलाड़ी जिसमें वरुण चक्रवर्ती एंड यहाँ पर पैट कमिंस आते हैं। अभी यहाँ पर आगे का कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है, आगे अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है मैं अपने चैनल पर ज़रूर से वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा एंड ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।